राजधानी दिल्ली में कई दिनों से भीषण गर्मी का सितम बना हुआ है। एक तरफ तेज धूप के कारण लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है, वहीं राजधानी में तापमान 49 डिग्री को पार करने के बाद 44 डिग्री के आसपास रुका हुआ है। इसी बीच मौसम विभाग ने दिल्ली के लोगों को राहत देने वाली खबर दी है। खबरों की माने तो राजधानी का मौसम बदलने वाला है और आने वाले दिनों में दिल्ली में बारिश की संभावना है। बता दें कि दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से तापमान में जरूर कमी आई है, लेकिन भीषण गर्मी का कहर अभी भी बना हुआ ही है। हालांकि भारतीय मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि दिल्ली NCR में 3 दिनों तक झमाझम बारिश हो सकती है। अपने बयान में मौसम विभाग ने कहा है कि इस शनिवार यानी कि 21 मई से दिल्ली का मौसम बदल जाएगा। 22, 23 और 24 मई को बारिश के साथ साथ आंधी तूफान के भी आने की संभावना है। इन दिनों में राजधानी का अधिकतम तापमान 40 डिग्री तक जाएगा, जबकि न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जिसके कारण लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। इसके अलावा बारिश होने की संभावना पर मौसम एक्सपर्ट का कहना है कि दिल्ली में मानसून आगमन से पहले अगले 6 से 7 दिनों तक दिल्ली को राहत मिलने की संभावना है। इसमें फिर से मैं क्लियर करूंगा, इसमें दो चीज़ मिक्स हो जाती है। हम जनरली जो फोरकास्ट करते हैं, जो ऑब्जर्वेशन जो हमारा स्टैंडर्ड ऑब्जर्वेटरी है, जैसे पालम, सफदरजंगा, नगर रिज, इनकी हम बातें करते हैं, और जो ये रिकॉर्ड हुआ है 48, ये ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन का, तो फिर से हम यही कहेंगे जो हमारी स्टैंडर्ड ऑब्जर्वेटरी उनमें तापमान उतना नहीं गया। हालाँकि ये जो हमारा सिटी एरिया है, ये मेन ऑब्जर्वेटरी वहाँ, और जो हमारे AWS या आउटर मुंगेश्वर या नजफगढ़, ये खुले एरियाओं में है, तो वहाँ टेम्परेचर वैसे भी यहाँ के मुकाबले 1 से 2 डिग्री का डिफरेंस रहता है। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये कि कब तक दिल्ली वालों को जो है वो राहत मिल पाएगी तपती धूप से? देखिए, राहत ऑलरेडी जो प्रेजेंट सिनेरियो है, जो स्पेल है, वैसे नॉर्थ वेस्ट इंडिया NCR दिल्ली में जो गर्मी का मौसम है वो लगभग जून तक चलता है, एंड जून तक, क्योंकि मानसून सामान्य तौर पर एंड ऑफ जून आता है, तो तब तक गर्मी का माहौल रहता है। तो अभी वर्तमान जो स्पेल है, इसमें आज से राहत देखने को मिलेगी, जो अगले 3 से 4 दिन चलेगी। वहीं आपको बता दें कि आज यानी कि 20 मई शुक्रवार के दिन सुबह गर्म रही और न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री अधिक 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने गरज के साथ छींटे पड़ने और बिजली चमकने की संभावना भी जताई है। वहीं देश के कई हिस्सों में लोग भीषण गर्मी, लू और धूप की मार झेल रहे हैं, लेकिन इसी बीच अंडमान में मानसून ने दस्तक दे दी है और जून महीने में ज़्यादातर राज्यों में मानसून के पहुँचने का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।